हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशापुरी गारमेंट। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि एक मीटर में जो परकर हमारा कैसे बनता है, वो भी बड़ा गेर। आज हमारे जो मास्टर है, आज हम उनसे पूछेंगे क्या भाई एक मीटर का क्या झोल है, मतलब कैसे बनता है परकर। आज तक हम जो देखे सिर्फ वो 2 मीटर में देखे थे और 2.5 मीटर में, आज 1 मीटर में बताने लगे भाई। तो चलिए आइए बात करते हैं मास्टर से हमारे। हेलो मास्टर, कैसे हो आप? तो ये क्या भाई, आज मैं क्या सुन रहा हूँ आपके लिए? 1 मीटर में जो है ना, ये रोड की क्वालिटी है, बड़ा पना आता है। अच्छा अच्छा, उसमें बनाएंगे हम 1 मीटर में पेटीकोट। नहीं भाई, मेरे को तो यकीन नहीं होता भाई, काट के बताएंगे जरा, खोल के दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए गाइस, भाई ने पूरा यहाँ पर परकर खोल दिया पूरा। ये पूरा कितना मीटर ले रहे हो भाई आप? ये 1 मीटर का कपड़ा है। देखिए गाइस, पूरा 1 मीटर में जो है ना गाइस, आइए 1 मीटर में पूरा बनाएंगे। देखिए 58 पने का। अच्छा, ये देख सकते हो भाई आप लोग। ये पहले नेफा निकाल लूंगा मैं भाई, आज अभी नेफा निकाल रहे आज। भाई 1 मीटर में बैठ जाते हैं परकर? हाँ बैठ जाएंगे ना, ये जो है इरूड की क्वालिटी है भाई। ऐसा? हाँ, ये देखिए गाइस, भाई जो 1 मीटर में परकर बैठा रहे हैं, मेरे को तो अभी भी ऐसा लगा जब सीखे देखेंगे, जब मालूम पड़े क्या भाई सीखे बताएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए भाई 1 मीटर में जो परकर बैठा रहे हैं भाई, क्या बात है यार। ये बड़ा पने में बैठता है भाई, बड़ा पना। हाँ, ये रूट आता है रूट। अच्छा, आंध्रा की तरफ। देखिए गाइस, बने रहिए फिर एंड तक के वीडियो में। भाई तो चौबल फोल्ड कर लिया आपने अब तो बताने के लिए भाई। अच्छा ऐसा, ये देख सकते हो भाई। चलिए भाई, देखिए सी के बताने ले भाई, आप बोले बड़ा घेर, इसका नाम क्या है? केसमेट बोलते हैं भाई इसको, जो है इरूड की क्वालिटी आती है, इरूड का कपड़ा है, केसमेट बोलते हैं, जाड़ा रहता है ये, और ये 20-20 भी क्वालिटी बोलते हैं इसको, जाड़ा यार्न रहता। देखिए भाई ने पूरी वराइटी की बताया यहाँ पर, और अभी इसे सी रहे भाई, ये कल ही सी चुके यहाँ पर। पॉपलिन से जाड़ा आता है ये कापड़ जो है ना, पॉपलिन से जाड़ा रहता है। अच्छा, और गाइस देख सकते हो भाई, बोले पॉपलिन से जाड़ा कपड़ा ये। और गाइस इसके अंदर देख सकते हो आप, पट्टी नहीं है, सिर्फ वो नेफा है, पट्टी इसके नीचे से मोड़ी जाएगी, नीचे से वाली। देखिए भाई जो है, इसे गाइस एक ही दाब से सीने। धार को कलर भी आता है, हम लोग सिंपल के हिसाब से सिर्फ बना रहे लाइट कलर का। अच्छा हाँ जी, इसमें धार को रेंज भी आती है। और अगर इसे क्वांटिटी में काटना होगा? क्वांटिटी में भी काट सकते हैं ना अपन जो है इसको, जो है आगे हम वीडियो में बताएंगे हम लोग। देखिए भाई जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो क्वांटिटी में काट के बताएंगे इसका। क्वांटिटी में काटेंगे तो नेफे का कपड़ा जो है थोड़ा बचेगा। अच्छा, क्वांटिटी में काटने नेफे का कपड़ा थोड़ा बच जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग जो है डायरेक्ट भी नेफा वालते हैं क्वालिटी में, हम लोग लेकिन नेफा डालेंगे अलग सर। ऐसा? हाँ जी। भाई
भाई ने यहाँ पर 3 इंच वैसी मोड़ लिया। देखिए अभी क्या नेफा लगाया कर रहा है। हाँ जी नेफा लगा रहे हैं। और जो हमारे जो दोस्त है जो वीडियो देख रहा है, अगर उन्हें सीखना हो तो हमारी वीडियो देख के सीख सकते हैं, और कुछ गलती आए हमारे से तो वापिस पूछ सकते हैं हमारे ऊपर। हाँ भाई लोग आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट भी पूछ सकते हो। ये बड़े घेर का जो है 3-4 टाइप से बनता है, अलग अलग कटिंग होती है उसकी। ये हम आसान कटिंग बताए आपको। अच्छा ये जो कटिंग है सबसे आसान। हाँ ये कली जो है भरपूर है, कमर भी भरपूर आएंगी आप ऐसा। ये देख सकते हो भाई आप लोग यहाँ पर। और ये जो स्टाइल है ना भाई इनका, ये बोले तो एकदम औसम है भाई, सबसे औसम भाई। यहाँ पर वही नेफा लगा रहे ये देख सकते हो आप। ये देखिए गाइस भाई का जो यहाँ पर नेफा लग चुका है, अभी संधि तरफ फोल्ड कर लिया भाई ने फोल्ड। दे भाई ऐसा क्यों करते फोल्ड आप? यहाँ सिलाई भी लगती है, हम लोग थोड़ा कपड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लेके अंदर फोल्ड कर लेते हैं। इस साइड में भी सिलाई आती है लेकिन नहीं मारते हम लोग। इधर जैसे सिलाई है ना वैसे इधर भी सिलाई लगती है। ये देखिए भाई, भाई संधे तरफ फोल्ड कर लिया कपड़े को। ये देखिए भाई ये लब की सिलाई मार रहे हैं यहाँ पर। लब की सिलाई मारने बाद कुछ इस तरीके से दिखता। देखिए नेपे से जो है ना कमर में जो है परफेक्ट तो बैठता है, स्टिप हो जाता है। हाँ। बहुत से लोग जो है डायरे के जो है ना नेफा ऐसा वालते हैं इसी को, ये कपड़ा अलग से नहीं लगाते हैं, तो ये चीज गलत है। हाँ। गाइस आप लोग ऐसा मत करिए, वो चीज गलत है जो आप करते हो, ये चीज सही है। स्टेप रहता है थोड़ा जो है कमर में जो है स्टेप आया था। हाँ जी देखिए गाइस ये जो तरीका है ना भाई लोग का एकदम सही है। और अगर आपको और कुछ दिक्कत आ रही है आपके इधर या आपके प्रकार में कुछ, तो आप बिंदास पूछ सकते हो हमसे। ये देखिए भाई की जो है लब की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट होने पे आई है। उठाकर देख लेने का थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। अच्छा ऊपर नीचे जो देख लेना है तो इसे छाट लेना है साइड से। अभी इसी को लग की सिलाई मार रहा है। ये देखिए गाइस थोड़ा कपड़ा वाल के जो है और ये देखिए भाई की जो यहाँ पर लग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये वापिस इसको 1 इंच लेने का, 1 इंच मोड़ना है। हाँ जी ये देखिए गाइस ये बहुत ही अच्छे तरीके से भाई ने 1 इंच मोड़ दिया है। अभी वही सिलाई के ऊपर मार रहे हैं। हाँ जी ये देखिए ये इस तरीके से कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए इधर से देखिए गाइस आप दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से दिखती है। वापिस इसको डिजाइन बनाएंगे हम। अभी इसके ऊपर डिजाइन भी आएगी। हाँ जी वाह क्या बात है। ये देखिए भाई की यहाँ पर लग की सिलाई जो है कम्प्लीट हो चुकी है। वापिस ये साइड में लपकी मारना अभी इधर नीचे साइड में लपकी। ये देखिए गाइस और ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से जो इनकी सिलाई दिखती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से अभी ये जो है भाई डिजाइन मार रहे हैं बना रहे भाई। चलिए देखिए गाइस ये इनकी जो है मछली डिजाइन इनका नाम, ये डिजाइन मार रहे हैं अभी। ये देखिए कुछ इस तरीके से डिजाइन इनकी दिखती है। ये देखिए गाइस उधर के मारने बाद इस तरीके से रखना है अब, और इसको इधर से मारना है। तो देखिए आप कितनी खूबसूरत जो इनकी डिजाइन बन रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए गाइस अभी ये देखिए भाई ने यहाँ पर मिला लिया परकर को,
अभी जो है अपनी जो है कल्ली बाकी से वो सीने की ये देखेंगे, इसे 4 इंच छोड़ देना है भाई। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ऐसे बराबर से एक दांत दबाना होता है। भाई ने इसे चार लिए नीचे से, और ये देख सकते हो गाइस इनका जो है पार्कर यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखिए देख सकते हो आप यहाँ पर लंबाई भी जो है ना, ये देखिए लंबाई देख सकते हो गाइस आप लोग 40 आती है। ये देखिए कमर 42 कमर, क्या बात है भाई साहब, देख सकते हो आप ये इनका वर्कर सिर्फ 1 मीटर में बना हुआ है। कितने 1 मीटर में जो है बना हुआ है देख सकते हो गाइस आप लोग, क्वालिटी रहती है, केसमेड बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, 20-20 भी बोलते हैं इस क्वालिटी को, यूरोप साइड मिलती है क्वालिटी जी, देख सकते हो गाइस आप लोग। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।